हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग रियल नंबर चैप्टर देख रहे हैं। स्टैंडर्ड 10 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर चैप्टर है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़े थे? सबसे पहले हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर देखे थे हम लोगों ने। रेशनल इरेशनल नंबर तरीके, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के नंबर देखे थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। उसके बाद बच्चों हमने डिराइव किया था, क्या किया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा, a=bq + r = जो हमने जो आपका लेमा का स्टेटमेंट है वो हमने डिराइव किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा के हमने सम किए थे, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम डिराइव किया था। और क्या किया था लास्ट में हम लोगों ने किया था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की मेथड की यूज करके HCF फाइंड करना सीखे थे, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने किया था बच्चों। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। उस स्टार्ट करने के पहले जस्ट मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ राजन कोटड़िया, उड़ान कोचिंग सूरत सिटी में है, उसका मैं मैनेजमेंट करता हूँ, फिजिक्स एंड मैथ्स दो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो के द्वारा जो भी बच्चे घर पे है उसको भी पढ़ा घर पे पढ़ सके, ऐसे इसलिए हम वीडियो भी बनाते रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, श्री गणेशाय का बापू का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक देखो, तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम लोग को पता होना चाहिए बच्चों कि प्राइम नंबर्स क्या होना चाहिए और कंपोजिट नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े ही थे, फिर भी आपको याद होना चाहिए। देखो स्टार्ट फिर से देख लेते हैं, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, तो ठीक है, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं, डेफिनेशन बता देता हूं, ऑल द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ठीक है। फिर से कह रहा हूं, ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, जो नंबर्स खुद से अपने आप से एंड वन से डिवाइड हो सके, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जीरो एंड वन को आपको नहीं काउंट करना है, टू से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं टू से, टू नंबर है, टू से ही डिवाइड होगा एंड वन से डिवाइड होगा, इसलिए वो किस में काउंट होगा, प्राइम नंबर में काउंट होगा बच्चों। उसके बाद हम उसके आगे चलते हैं, तो टू के बाद क्या आता है बच्चों, थ्री। तो थ्री देखो, थ्री थ्री से ही डिवाइड होगा, टू से तो हो नहीं सकता है और वन से होगा, इसलिए थ्री भी क्या रहेगा आपका, प्राइम नंबर रहेगा, ठीक है। बट फोर काउंट करो तो फोर टू से डिवाइड हो सकता है बच्चों। हमारी डेफिनेशन क्या कहती थी, जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो सके और वन से डिवाइड हो सके, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। हालांकि डेफिनेशन तो यहां मैच नहीं हो रही, फोर तो टू से डिवाइड हो सकता है, इसलिए फोर का प्राइम नंबर में नहीं आएगा। फोर के बाद क्या आता है बच्चों, फाइव। तो फाइव नंबर की बात करें तो फाइव नंबर भी आपका किस में आएगा, प्राइम नंबर में आएगा, क्योंकि प्राइम फाइव है वो खुद से डिवाइड हो सकता है और वन से डिवाइड होगा। फिर सिक्स की बात करो तो सिक्स देखो, थ्री एंड टू से डिवाइड हो सकता है, इसलिए सिक्स प्राइम नंबर में नहीं आएगा। उसके बाद सेवंथ प्राइम नंबर होगा, एट नाइन्थ नहीं, टेंथ तीनों प्राइम नंबर होगा, इलेवंथ फिर से प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो नंबर्स खुद से अपने आप से डिवाइड हो सके और वन से डिवाइड हो सके, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं, प्राइम नंबर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, टू आएगा बच्चों, उसके बाद क्या आएगा, थ्री आएगा, फोर नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, फाइव आएगा, सिक्स नहीं आएगा, सेवंथ आएगा बच्चों, एट नाइन टेन तीनों नहीं आएगा, इलेवंथ आएगा, थर्टीन आएगा, उसके बाद देखो फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तीनों नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, सेवनटीन। ऐसे आपको सबको समझ में आ रहा होगा प्राइम नंबर्स क्या होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है प्राइम नंबर, जो नंबर खुद से अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं और वन से डिवाइड हो सकते, ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। टू से स्टार्ट करना है, जीरो एंड वन नहीं काउंट करना है। उसके बाद आता है बच्चों कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, सिंपल है, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, ऑल द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अभी हम लोग यहाँ स्टार्ट में देखा, तो बीच में जो नंबर रह गए वो क्या हो गए, कंपोजिट नंबर। जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जीरो एंड वन को नहीं काउंट करते, टू से स्टार्ट करते। तो टू तो आ गया बच्चों हमारा प्राइम नंबर्स में, थ्री भी आ गया, बस फोर नहीं आया बच्चों। तो फोर क्या रहेगा आपका, कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्योंकि फोर टू से डिवाइड हो सकता है। फाइव के बाद क्या आएगा बच्चों, सिक्स आएगा, क्योंकि फाइव एंड सेवन के बीच में सिक्स रह गया था। फिर सेवंथ और इलेवंथ के बीच में कितने नंबर रह गए बच्चों, चार चार, एट नाइन टेंथ, सॉरी तीन नंबर रह गए। तो क्या होगा बच्चों, एट नाइन्थ एंड टेंथ, ये तीनों क्या नंबर रह गए आपके, कौन से नंबर रह गए, कंपोजिट नंबर रह गए, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, इलेवन ट्वेल्थ के बाद कौन सा आएगा बच्चों, ट्वेल्व, ठीक है। थर्टीन और सेवनटीन के बीच में कितने नंबर रह गए, तीन नंबर रह गए, फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन, ये तीनों नंबर के आपके हैं कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है सबको, जो नंबर्स
प्राइम नंबर नहीं हो उसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। अब सबको प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया। चलो अब हमारा मेन टॉपिक है क्या बच्चों? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो पढ़ना है। डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है, डेफिनेशन आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं, बट तो हम जस्ट देख लेते हैं डेफिनेशन कहना क्या चाहती, ठीक है। डेफिनेशन में बच्चों ऐसा लिखा है, ऑल द कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस बाय द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन आर यूनिक एक्सेप्ट दिस ऑर्डर्स ऑकर्स, ठीक है। अब डेफिनेशन से कुछ पता नहीं चलेगा, बट एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मैं यहां पे 144 एक कंपोजिट नंबर लेता हूं, ठीक है। ये लोग क्या करें, ऑल द कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस बाय द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब ये 144 है वो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 144 को मैं प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 और 72 हो जाएगा, 72 2 144 आ गया। फिर देखो 2 तो प्राइम नंबर आ गया, बट 72 आपका कंपोजिट नंबर है बच्चों, ठीक है। तो 72 को मैं क्या करूंगा, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा बच्चों, तो 2 एंड क्या होगा बच्चों, 36 हो गया, 36 2 जा क्या होगा 72, हालांकि 2 फिर से प्राइम नंबर आ गया, बट 36 कंपोजिट नंबर है, उसको फिर से 2 से करते डिवाइड, 2 एंड क्या होगा बच्चों 18 जा, ठीक है। और 18 टू जा फिर से 236, फिर 18 आपका कंपोजिट नंबर है, तो क्या होगा 2 एंड 9 जा, ठीक है, 9 कंपोजिट नंबर है, तो 9 को क्या लिखेंगे 3 जा, तो हो गया आपका। देखो ये सारे कौन से नंबर आ गए आपके, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर क्या सबका मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 144। अब लिखते हैं 144 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 144 इक्वल टू, देखो 2 कितनी बार आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 चार बार आ रहे हैं, तो 2 रेस्ट 2 क्या लिखेंगे 4, 2 का 4 पावर, मतलब 2 चार बार आ रहे हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 3 रेस्ट 2 स्क्वायर। अब डेफिनेशन समझते हैं, देखो All the composite number can be expressed by the product of primes. तो ये composite number है, prime numbers के product के form में represent कर दिया. Okay, यहाँ तक clear है. चलो आगे चलते हैं. And these factorization are unique. मतलब देखो 2 raise to 4 multiply 3 raise to 3 का square करोगे तो जो multiply करोगे तो answer क्या आएगा आपका 144 ही आएगा. दूसरा number बच्चों possible ही नहीं है. ठीक है, बट एक्सेप्ट इन दिस ऑर्डर सकर, मतलब ये लोग ऐसा कहना चाहते 144 इक्वल टू ये, मतलब सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, ठीक है, 2 रेस्ट 4 तो आपका 144 आएगा, बट 2 रेस्ट 3 करोगे तो अलग ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 रेस्ट 4 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर करोगे तो आपका 144 ही नंबर आएगा कंपोजिट नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट सीक्वेंस यू कैन चेंज, सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो। और एक नंबर लेते हम लोग, देख ले, 1 लेते 140 हमारा कंपोजिट नंबर है बच्चों, ठीक है। अब 140 को 4 को मैं 2 से ट्राई करता हूं, 2 70 जा 72 जा 144 70 140, अब फिर से 2 से डिवाइड करते 2 1 क्या आएगा 35 बच्चों, 35 2 से क्या आएगा 70, और 35 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, अब देखो 2 से नहीं होगा तो मैं क्या करता हूं 5 से करता हूं बच्चों, 5 एंड 7 हो गया बच्चों, देखो अब 5 एंड 7 प्राइम नंबर्स आ गए, तो 140 को मैं क्या लिखूंगा बच्चों, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर 3 5 एंड 7। अब देखो 2 का हमारे डेफिनेशन क्या कहती, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस बाय द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ध्यान से देखना ये कंपोजिट नंबर है प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, ओके बढ़िया आ गया, चलो बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, दिस फैक्टराइजेशन आर यूनिक, मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 140 ही मिलेगा, दूसरा नंबर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट एक्सेप्ट इन दिस ऑर्डर सकर, मतलब आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो बच्चों, सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, ठीक है। 140 इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 को ऐसे लिख दिया 7 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर तो भी आपका आंसर क्या आएगा 140, ठीक है। 7 को आगे ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 इक्वल मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, बट यहां दूसरा नंबर प्राइम नंबर ले लिया तो आपका और ही कंपोजिट नंबर आ जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन अब सबको क्लियर हो गई होगी, प्राइम नंबर हमने देखा, कंपोजिट नंबर देखा, डेफिनेशन हम देखें, अब इसका यूज क्या आता है, टॉपिक तो पढ़े बट कुछ यूज तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसका यूज आएगा बच्चों HCF निकालने में, GCD निकाल, सॉरी HCF का दूसरा नाम क्या है, GCD, ठीक है। HCF का फुल नेम क्या रहेगा बच्चों, IS कॉमन फैक्टर,
और जीसीडी का फुल नेम क्या रहेगा बच्चा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। दोनों का सिनोनियम, दोनों सिनोनियम नेम ही है, मतलब दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है, एचसीएफ और जीसीडी। और दूसरा हमें फाइंड करना है एलसीएम बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। एलसीएम का फुल नेम क्या रहेगा बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसे कि एचसीएफ की मैं बात करूं, मेरे पास 20 एंड 25 दो कंपोजिट नंबर दिया है, उसका मेरे को एचसीएफ फाइंड करना है। तो 20 एंड 25 को सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा, तो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 5, क्योंकि 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, तो 5 क्या रहेगा दोनों का एचसीएफ। ठीक है, तो इसे बट ये तो छोटे नंबर हो गए, बट हमें बड़ा कोई नंबर दे दिया है। ठीक है, सबसे बड़ा ठीक है 1 3 3 9 9 9 5 6 6 6 7 8 8 2 3 3 3 5 5 5 लाइक थी, तो ऐसा बहुत बड़ा नंबर दिया होगा तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते ऐसे ही। उसके लिए हमें क्या मेथड यूज करने पड़ेंगे, कौन सी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। चलो आपको हम लोग लास्ट टाइम देखा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उससे भी आप एचसीएफ फाइंड कर सकते थे, बट वहां पे हम लोग एलसीएम नहीं फाइंड कर सकते थे। ठीक है, एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज कहां पे आता है, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने में हमें यूज आएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ठीक है, तो हम हेडिंग लगा देते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ द फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। हाँ, तो बच्चों देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा आपका, और एलसीएम मतलब क्या रहेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो आपका देखो, और एचसीएफ का दूसरा सिनोनियम्स क्या रहेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी कह सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग द फंडामेंटल ऑफ थ्योरम एरिथमेटिक अभी हम पढ़े थे, उसका यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ, और क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, देखो 90 एंड मैं लेता हूं 144, मेरे पास नंबर है, मैं लेता हूं 90 एंड 144, ये दो नंबर का मेरे को क्या फाइंड करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ठीक है, तो मैं 90 एंड 144 को क्या मैं फैक्टराइजेशन करूंगा। ठीक है, फैक्टराइज करूंगा, तो 90 है उसको मैं पहले से 2 से ट्राई करता हूँ, तो 245 जा बच्चों बच्चों क्या है 90। ठीक है, फिर मैं 3 से करता हूँ, तो 3 क्या होगा 15 जा 15, 3 जा 45, फिर 15 है उसको मैं 3 से करता हूँ, तो 35 जा बच्चों। ठीक है, तो देखो अब सब प्राइम नंबर्स आ गए, 90 को मैंने प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं 144 है उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, तो 272 जा बच्चों हो जाएगा, 72 है उसको मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से करता हूँ फिर से आगे। देखो पहले छोटा प्राइम नंबर से ट्राई करना है, 2 से नहीं उसके बाद क्या करें, ट्राई कर 3 से करेंगे, 3 से नहीं क्या होगा 5 से करेंगे। ठीक है, तो ये 2 से हो जाएगा 36, फिर से 2 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा बच्चों 218 जा। ठीक है, 18 फिर बच्चों 2 से हो जाएगा 29 जा, और 9 किससे होगा 3 जा, हो गया बच्चों। अब इसको देखो ये उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते, तो हमारा क्या होगा 90 इक्वल टू क्या आया बच्चों 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 एक बार है, 3 दो बार है, और 5 एक बार है बच्चों, यहां तक ठीक है। अब 144 बच्चों देखो ध्यान से देखना, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है बच्चों, तो 2:4 आ जाएगा। उसके बाद देखो 3 कितनी बार है, 2 बार है, रिप्रेजेंट कर दिया हमने कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अभी हमें क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। ठीक है, एक टेबल बनाना सिखाता हूं। ठीक है, अब देखो, हाँ तो देखो एचसीएफ हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में क्या होगा, देखो यहां पे लेफ्ट साइड में आप लिखो कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर और यहां पे लिखो उसका लीस्ट एक्सपोनेंट, मतलब उसका मिनिमम पावर। देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, देखो किसका 90 एंड 144 में कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना 2 आ रहा है, हाँ 2 आ रहा है, और 3 क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 देखो यहां पे नहीं आ रहा है, 5 कॉमन नहीं है, इसलिए आप क्या आएगा यहां पे कॉमन फैक्टर में क्या आएगा 2 एंड 3 आएगा। अब ध्यान देखो उसके लीस्ट एक्सपोनेंट, मतलब देखो यहाँ पे इसका पावर के एक्सपोनेंट क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो उसका आंसर आपका लीस्ट एक्सपोनेंट क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो लीस्ट एक्सपोनेंट में क्या आएगा यहाँ पे 1।
और थ्री थ्री का देखो तो थ्री में दोनों में सेम टू टू, यहाँ पे लीस्ट एक्सपोनेंट क्या रहेगा टू, तो आपको एच सी एफ करना हो तो क्या आएगा आपका, देखो टू का वन पावर हो जाएगा और थ्री का क्या हो जाएगा स्क्वेयर, तो टू का वन पावर क्या आएगा टू और थ्री का स्क्वेयर नाइन और नाइन टू क्या रहेगा एटीन, तो एटीन की आपका एच सी एफ आया। समझ में आ रहा है सबको, बढ़िया। अब देखो एच सी एम फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, फिर से एक टेबल बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे ऑल फैक्टर और यहां पे लिखेंगे हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है। देखो सभी फैक्टर यहां पे हमने क्या लिखा था, कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन कौन कौन से, टू एंड थ्री हो रहे थे, अब यहां पे ऑल फैक्टर में सारे फैक्टर आ जाएंगे, टू भी आ जाएगा, थ्री भी आ जाएगा एंड फाइव भी आ जाएगा, तो टू थ्री एंड फाइव हाईएस्ट एक्सपोनेंट, उसका सबका हाईएस्ट पावर क्या है, टू का क्या पावर है फोर, थ्री का क्या पावर है टू एंड फाइव का क्या पावर है बच्चों वन, ठीक है। अब क्या लिख देना है एलसीएम, एलसीएम में क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम में आपको टू का फोर पावर, थ्री का कितना बच्चों टू और फाइव का क्या होगा वन, टू का फोर पावर क्या रहेगा सिक्सटीन, नाइन एंड क्या आएगा वन फोर्टी फोर, सॉरी फाइव का फाइव सिक्सटीन नाइन जगह क्या होगा वन फोर्टी फोर एंड फाइव, तो वन फोर्टी फोर फाइव क्या रहेगा बच्चों जीरो टू ट्वेंटी ये रहेगा सेवन, सेवन ट्वेंटी, तो आपका आंसर क्या आएगा सेवन ट्वेंटी, किसका एलसीएम नाइनटी एंड वन फोर्टी फोर, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, और एक एग्जाम्पल के लेके सब क्लियर कर देते, ठीक है और एक एग्जाम्पल। हाँ तो बच्चों देखो अब नेक्स्ट हमने क्या लिया एटी फोर एंड नाइनटी, उसका एच सी एफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग ये फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक करके फाइंड करना है, ठीक है। सिंपली है पहले 84 कंपोजिट नंबर, उसका क्या हम निकालेंगे फैक्टराइज कंपोजिट नंबर फैक्टराइज करेंगे, तो 242 84 जो होगा फिर 242 आपका कंपोजिट नंबर आ गया, तो बच्चों क्या होगा 221 हो जाएगा, 21 2 जा फिर 21 फिर से आपका कंपोजिट नंबर, तो 3 से डिवाइड करके 37 जा और 7 आ गया, तो सारे प्राइम नंबर आ गए बच्चों, देखो 2 2 3 है 7। अब 90 को फिर से फैक्टराइज करते तो 90 है उसको 2 45 जा 90 45 आपका देखो कंपोजिट नंबर है उसको किससे डिवाइड करके 3 से करके 2 से होगा नहीं बच्चों, तो 3 15 जा 15 देखो ये फिर से कंपोजिट नंबर है तो क्या होगा 3 5 जा, यहां तक ठीक है समझ में आ रहा है सबको, ये हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो 84 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 84 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में के रिप्रेजेंट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो देखो तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 90 इक्वल टू क्या लिखूंगा बच्चों में 2 कितनी बार है एक बार 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या होगा 5, यहां तक ठीक है। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया कंपोजिट नंबर, अब क्या फाइंड करते हैं एचसीएफ, एचसीएफ में हम लोग क्या निकल गए एक टेबल बनाएंगे, यहां पे कॉमन फैक्टर लिखेंगे बच्चों कॉमन फैक्टर, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों उसका लीस्ट एक्सपोनेंट, लीस्ट एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट। अब देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, टू आ रहे हैं थ्री आ रहे हैं, देखो टू एंड थ्री आ रहे हैं ओनली, सेवन एंड फाइव कॉमन नहीं हो रहे बच्चों, टू एंड थ्री, ठीक है। अब टू का देखो लीस्ट एक्सपोनेंट उसका मिनिमम पावर क्या है बच्चों वन है, और ठीक है और यहाँ पे थ्री का मिनिमम पावर क्या है बच्चों वो भी वन है, देखो यहाँ पे वन है ठीक है, तो उसका एच सी एफ हमें निकालना है, देखो टू का क्या हो जाएगा वन एंड थ्री का क्या हो जाएगा वन, तो टू थ्री जा सिक्स ये हो गया कि आपका एच सी एफ आ गया। सेम वे एलसीएम निकालना हो क्या करेंगे, फॉर एलसीएम फिर से एक टेबल बनाएंगे, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे ऑल फैक्टर, क्या लिखेंगे बच्चों ऑल फैक्टर, सभी फैक्टर आ जाएंगे और यहां पे क्या लिखेंगे हाईएस्ट एक्सपोनेंट, फर्क इतना ही है बच्चों, यहां पे कॉमन आ जाएगा फैक्टर, यहां पे क्या आ जाएगा ऑल फैक्टर, यहां पे लीस्ट एक्सपोनेंट, यहां पे क्या आ जाएगा हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, बढ़िया। चलो ऑल फैक्टर में कौन कौन से हो गए, टू थ्री फाइव सेवन सभी हो गए, टू थ्री फाइव ने सेवन ओके, हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखो टू का हाईएस्ट पावर क्या होगा टू, टू का हाईएस्ट पावर टू है, थ्री का हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों वो भी टू है, फाइव का हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों वन है, सेवन क्या क्या है वन, फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर, तो आपका एलसीएम क्या जाएगा एलसीएम इक्वल टू टू का स्क्वेयर फिर थ्री का स्क्वेयर मल्टीप्लाई फाइव
मल्टीप्लाई 7, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई क्या होगा 34, अब 9 4 जा 36, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 35। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, मुझे याद नहीं, अभी आप कर लेना खुद, 36 मल्टीप्लाई 35 जो भी आंसर आएगा वो क्या रहेगा आपका LCM। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये टेबल बना देना LCM एंड HCF फाइंड करने के लिए। बाई इजीली यू कैन फाइंड द HCF एंड LCM बाई यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ थियरम ऑफ एरिथमेटिक। ठीक है, हाँ तो बच्चों अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी तीन नंबर लेंगे। ठीक है, तो तीन नंबर का HCF और LCM सेम मेथड से करेंगे। ठीक है, अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, कोई भी दो नंबर्स रेंडमली लिए थे और दो नंबर्स का क्या निकाला था हमने HCF और LCM। ठीक है, उसी हिसाब से अभी क्या करके तीन नंबर लेंगे, कितने भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो सेम मेथड अप्लाई करके क्या आप करो निकाल सकते हो HCF और LCM। ठीक है, तो मैं यहाँ रेंडमली कोई भी तीन नंबर्स देता हूँ, तीन नंबर्स का मैं क्या निकालता हूँ HCF और LCM। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं 12, एक लेता हूँ 15 और लेता हूँ 21, सिंपल है। ठीक है, तो 12, 15 एंड 21 क्या करेंगे, अब ये देखो 12, 15 एंड 21 आपके क्या नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो हम ये कंपोजिट नंबर को क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके, तो 12 को लेते हैं सबसे पहले। तो 12 को हमें ट्राई करता हूं 2 से, तो 2 6 होगा बच्चों, 2 6 12। ठीक है, फिर देखो 2 प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, तो 6 को अगेन में 2 से ट्राई करता हूं, 2 3 6, अब हो गया 2 2 एंड 3 प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया 12 को। अब 15 को लेते हैं, 15 को 2 से होगा नहीं बच्चों, इसमें क्या करता हूं 3 से करता हूं, तो 3 5 15 हो गया, 15 को मैंने 3 4 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। और मैं यहां पे लास्ट में लेता हूं 21। ठीक है, 21 देखो, तो 21 कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं, तो 3 एंड 7 था। ठीक है, चलो इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके, तो 12 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो बच्चों। तो 2 दो बार आ रहा है इधर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई के लिए लिखूंगा 3 लिखूंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, 15 उसके बाद देखो, तो 15 को क्या लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई 5 लिखूंगा बच्चों। और हमारा लास्ट में क्या है 21, तो 21 को क्या लिखूंगा, 3 एंड 7। ओके, चलो हमारा फर्स्ट काम तो हो गया, कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, टेबल। तो सबसे पहले हमें HCF फाइंड करना है, तो HCF का टेबल यहां बना देता हूं। ठीक है, यहां पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, देखो इसको मैं क्या लिखेंगे हम लोग, लीस्ट एक्सपोनेंट, सॉरी कॉमन पा कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन फैक्टर, और यहां पे आ जाएगा लीस्ट एक्सपोनेंट, कॉमन फैक्टर, यहां पे क्या आ जाएगा लीस्ट एक्सपोनेंट। अब देखो टू, इसमें तीनों में कॉमन फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहा है तीनों में, नहीं आ रहा है 3, देखो 3 तीनों में आ रहा है, 3 लिख दिया, 5 देखो 5 एक में आ रहा है, 7 देखो 7 एक में आ रहा है, इसलिए 3 का देखो लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है। ठीक है, सब में क्या पावर है 1 है। ठीक है, तो हमारा HCF क्या आएगा, HCF 3 का 1 पावर, मतलब क्या आंसर आएगा 3 आएगा, हो गया यहां पे। उसके बाद क्या निकालना बच्चों में, LCM, LCM LCM में फिर से टेबल बनाएंगे, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, ऑल फैक्टर, सारे फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल फैक्टर, और यहाँ पे राइट साइड में क्या आ जाएगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा बच्चों, लीस्ट एक्सपोनेंट की जगह क्या आ जाएगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। देखो ऑल फैक्टर्स, इसमें सभी फैक्टर ले लेने, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, 7 सारे लिख देना है, यहाँ पे 2 आ गया, 3 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अब हाईएस्ट पावर, 2 का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 का 2 पावर, ठीक है, यहाँ पे 2 का 2 पावर। ठीक है, उसके बाद देखो तो 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या बच्चों, यहाँ पे 1 है, 5 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या बच्चों, 1 है, और 7 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या बच्चों, 1 है। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम में 2 का 2 पावर, 3 का बच्चों 1 पावर, 5 का 1 पावर, 7 का 1 पावर। देखो 2 का 2 पावर मतलब क्या है, 4 4 3 से क्या होगा बच्चों, 12 12 मल्टीप्लाई क्या होगा 35,
35 × 12 क्या होगा, 35 × 12 क्या होगा बच्चों, 420 क्या आ गया है एचसीएम, एचसीएम क्या है बच्चों 3। ठीक है, इस हिसाब से आप कोई भी 3 या 4 5 कितने भी नंबर्स लेके एलसीएम और एचसीएम फाइंड कर सकते हो, किससे, बाय एप्लीकेबल बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की मेथड की वजह से। ठीक है, अगर कोई भी कुछ डाउट है, कोई नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वो आपके वीडियो बना के उसके आपके डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।